श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि धर्म क्या है। देखिए धर्म बहुत सारे हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियनिटी है, पर सबका मकसद एक ही है। तो वो धर्म क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जन साधारण में ऐसी मान्यता है कि धर्म अनेक होते हैं, वास्तव में धर्म सदैव एक ही होता है। उसके साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि विशेषण लगाना अज्ञानता है। धर्म का वास्तविक अर्थ है गुणों को जीवन में धारण करना, जैसे अहिंसा, शरीर मन और वाणी से किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना, सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना, न्याय और धर्म की रक्षा हेतु दंड देना हिंसा नहीं है। फिर सत्य, सदैव सत्य और प्रिय बोलना। फिर असत्य, छल कपट चोरी आदि नहीं करना। फिर ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का सदुपयोग करना, स्वाद ले लेकर उसका भोग नहीं करना है किसी भी चीज का, चाहे खाना हो या कोई भी चीज हो। फिर अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, लोभ लालच नहीं करना, यथाशक्ति सुपात्रों की सहायता करना। फिर जैसे शौच, तो शरीर, घर, गांव, नगर, कार्यालय आदि को साफ सुथरा रखना, यज्ञ हवन द्वारा वातावरण को शुद्ध रखना। फिर संतोष, ईमानदारी से परिश्रम करना और उसका जो भी फल ईश्वर दे उसे संतुष्ट रहना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। फिर तप, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, हर्ष शोक यदि में सब में सम रहना, विचलित नहीं होना। कोई अगर आपको हानि कर रहा है तो ये भी उसकी मर्जी है, अगर आप लाभ हो रहा है तो भी उसकी मर्जी है। कोई अगर आपका अपमान कर रहा है तो अपमान की सजा उसे मिलेगी, अपमान करना भी उसकी मर्जी से हो रहा है, वो हम लोगों की समझ के बाहर की चीज है। फिर स्वाध्याय, वेदादि शास्त्रों का पढ़ना, आत्मनिरीक्षण करते रहना, त्रुटियों को दूर करना और ओम का जप करते रहना। ओम का जप हमने सनातन या हिंदू धर्म के हिसाब से बता दिया, आपका जो भी है अल्लाह गॉड जो भी है उनका जप करते रहना। फिर ईश्वर प्रणिधान, सर्वव्यापक निराकार ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास और प्रेम रखना। प्रातः साय ध्यान अवस्थित होकर ईश्वर के गुणों का चिंतन करना, अर्थात संध्या करना, दैनिक यज्ञ करना, विश्व शांति, मनुष्य जन्म की सफलता, यम नियमों, धर्म के 10 लक्षणों एवं समाधि अर्थात ईश्वर साक्षात्कार के मूल में यही सब बातें आती हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।